हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान पीटीआई भर्ती 2022 के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। इस वीडियो में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे 2013 का पेपर, बहुत मोस्ट पेपर है, सेकंड पेपर। ठीक है, आपके एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड दो पेपर आएंगे, जिनमें से सेकंड पेपर हम आपको उपलब्ध करवाएंगे 2013 का। हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये बहुत से एग्जाम्स में आप सभी कैंडिडेट्स ने देखा है और आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। 2018 और 2011 दो भर्तियों के पेपर, कुल मिलाकर के चार पेपर आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिनके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। और साथ ही 2013 का फर्स्ट पेपर का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और पीटीआई भर्ती की 2018 की कट ऑफ क्या रही थी, फाइनल कट ऑफ, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। 2022 में कुल कितने आवेदन आए हैं, हर एक कैटेगरी वाइज सारी डिटेल आपको उपलब्ध करवा दी गई है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक कर लें। चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रीवियस ईयर के पेपर्स पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? नंबर एक आ जाएगा इसमें आदर्शवाद, ठीक है, आइडियालिज्म। यहाँ पर दोस्तों बता देना चाहूँगा, जो आपकी फाइनल जो रणनीति रहने वाली है अब एग्ज़ाम के लिए, वो आपकी यही रहनी चाहिए कि आपने जो तैयारी कर ली है उसको आप पुख्ता तौर पर तभी देख सकते हैं जब आपको पेपर्स मिले, या मॉडल पेपर्स से अच्छा रहेगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिले तो। उनके लिंक आपको नीचे दे दिए गए हैं, ठीक है, हर एक पेपर को चला करके देखें और आप उन प्रश्नों का उत्तर खुद देखें कितने आप बिल्कुल सही जवाब दे पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये सॉल्व पेपर है ऑफिशियल आंसर के आधार पर। बोर्ड ने जो फाइनल आंसर की जारी की है उसके आधार पर आपको यहाँ हर एक प्रश्न का उत्तर भी बताया जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जांचें कि आप जो उत्तर बता रहे हैं वो आंसर किसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितने आंसर मैच कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, ठीक है। और ये बताएं कि आपका जो एग्ज़ाम में जो आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो कितने सही कर पा रहे हैं, ये बताएं जरूर से, और इससे आप अपनी तैयारी भी देख सकते हैं कितनी आपकी परफेक्ट तैयारी है। मैं यहाँ क्वेश्चन बोलूँगा, आपको उसका आंसर यहाँ पर आपको खुद को लगाना है कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है, फिर मैं आंसर आपको बता दूंगा साथ में। दूसरा प्रश्न आ जाता है, आदर्शवाद आइडियालिज्म आधारित है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? नंबर दो, विचारों पर, ठीक है। तीसरा प्रश्न आ जाता है, प्रकृतिवाद आधारित है, नंबर दो प्रकृति पर। चौथा प्रश्न आ जाता है, गति के नियम दिए गए हैं किसके द्वारा दिए गए हैं? तीन नंबर, न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा पांचवें नंबर का, और इसमें जैसे कि कहा गया है, वह अदृश्य है परंतु हमेशा उपस्थित रहता है गति में, इनमें से क्या आएगा वो? एक नंबर बल, छठा क्वेश्चन, यह लिगामेंट की चोट है, कौन सी है इनमें से? दो नंबर मोच, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सातवां, यह नरम उत्तक चोट है, इनमें से कौन सी आएगी? चार नंबर, उपरोक्त सभी, रगड़ भी है, मोच भी है और खिंचाव भी है, ये सभी नरम उत्तक चोट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यह मांसपेशी की चोट है, चार नंबर खिंचाव, ठीक है, चार नंबर आ जाएगा खिंचाव। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नवे क्वेश्चन पर, बिना घाव का हड्डी टूटना इनमें से क्या कहलाता है, कौन सा फ्रैक्चर है? तीन नंबर सिंपल फ्रैक्चर। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यहाँ इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, हम हिंदी पे ही क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी वाले क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं। त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है, एक नंबर शारीरिक बनावट कंपोजिशन द्वारा, न्यूटन का तीसरा गति नियम कौन सा है इनमें से, चार नंबर क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी, तीन नंबर न्यूटन ने। यूएसए में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में कौन सी संस्था है इनमें से, प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, तेरहवें क्वेश्चन को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि कहा गया है, वैदिक काल का युग कौन सा है? जीके का पेपर आपका फर्स्ट पेपर जो रहता है, जीके का बहुत शानदार पेपर रहा है लेवल, और वहाँ पर भी आपको कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर बताए गए हैं, तो आप अपनी तैयारी पुख्ता तौर पर देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। कुल मिलाकर पांच पेपर उपलब्ध करवा चुका हूँ दोस्तों, छठा ये पेपर है, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी, फाइनल जो आपकी तैयारी रहती है ना वो आप इन पेपर्स से अपनी जांच सकते हैं, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी।
प्लीज़ इन वीडियोस को पूरा देखें और शेयर कर दें वीडियोस को। वैदिक काल का युग कौन सा है इनमें से? एक नंबर 2000 से 1000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15वां, शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? एक नंबर उत्तर एथेंस काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16वां, भगवान जीयूस का संबंध है? प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की मैं दोस्तों डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। 16वें क्वेश्चन को 17वें पर आ जाते हैं हम। 17वां है संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी है? दो नंबर आ जाएगा कोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 18वां, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तीन नंबर थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 19वें पर, और 19वें क्वेश्चन में जैसा कि यह कहा गया है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है, यह परिभाषा किसने दी है इनमें से? एक नंबर जॉनसन ने। मालिश का शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है या किस स्थान पर पड़ता है? चार नंबर सभी जगह, त्वचा पर भी पड़ता है, तंत्र पर भी पड़ता है और रक्त परिसंचरण तंत्र पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है त्वचा की चोट कौन सी है इनमें से? तीन नंबर रगड़। अगले पर आ जाते हैं 22वें क्वेश्चन पर, और 22वें में जैसा कि कहा गया है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है इनमें से? एक नंबर बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन बैक स्ट्रोक का संबंध है तैराकी से। चार नंबर अगला क्वेश्चन है 24वां, आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता किसे कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले भर्ती 2011 की जो निकली थी उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो ऐसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तीन नंबर आ जाएगा इसमें बैरन पियर डी कुबर्टे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 25वें पर, और 25वें में कहा गया है ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई? दो नंबर 1920 एंटवर्प में। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित हैं? चार नंबर बास्केटबॉल से। भारतीय फ्लाइंग सिख इनमें से कौन है? दो नंबर मिल्खा सिंह। अगले पर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है 28, द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है इनमें से? तीन नंबर प्रशिक्षकों को, ठीक है, प्रशिक्षक को। तीन नंबर आ जाएगा 28वें में प्रशिक्षक को। 29वां एमसी मैरीकॉम का संबंध इनमें से किस खेल से है? एक नंबर बॉक्सिंग से। कृष्णा पूर्णिया का संबंध किस खेल से है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कृष्णा पूर्णिया का रिपीटेड हुआ है 2011 की भर्ती में भी देखने को मिला था कृष्णा पूर्णिया का क्वेश्चन। तीन नंबर तस्तरी फेंक। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। लिंबाराम का संबंध किस खेल से है? एक नंबर तीरंदाजी से। सोनाक्षी राठौड़ का संबंध किस खेल से है? दो नंबर शतरंज से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? कौन से खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी? दो नंबर फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 34वें क्वेश्चन पर, कहा गया है 34वें में जैसा कि वॉलीबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? एक नंबर 18 मीटर लंबाई और 9 मीटर चौड़ाई होती है। खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तीन नंबर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पिंग पोंग संबंधित है इनमें से किस खेल संबंधित है पिंग पोंग? दो नंबर टेबल टेनिस से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 37वें पर, और 37वें क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है ACES का संबंध किस खेल से है? एक नंबर लॉन टेनिस से। 38वां क्वेश्चन प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? दो नंबर एथेंस में। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है साइटियस आल्टियस और फार्टियस से तात्पर्य क्या है इनमें से?
एक नंबर फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। 40वां क्वेश्चन, अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? रिपीटेड क्वेश्चन है। एक नंबर निशानेबाजी से। अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है? दो नंबर शतरंज से। डॉक्टर पी एम जोसेफ पहले प्राचार्य थे इनमें से किस संस्थान के? एक नंबर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के। 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पैन हेलनिक उत्सव किस जगह से संबंधित है? चार नंबर आ जाएगा एथेंस से। नेक्स्ट है पाइथियंस खेलों का संबंध है, एथेंस काल से। एक नंबर एथेंस काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 45, कहा गया है सैनिक जीवन प्रचलित था, सैनिक जीवन प्रचलित था। एक नंबर स्पार्टा से। भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब हुई? दो नंबर 1882 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तीन नंबर 1961 में श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ स्थित है? दो नंबर अमरावती, दो नंबर अमरावती। 49 पर आ जाते हैं, कहा गया है 49 में क्लासिकल एज का संबंध कहाँ से है? एक नंबर स्पार्टा से। 1920 में YMCA की शुरुआत किन्होंने की थी? चार नंबर एच सी बक कह सकते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज किया गया है। जो 2011 की भर्ती निकली थी उसमें इन्हें प्राचार्य या फिर कुछ बताया गया था, अध्यक्ष वगैरह, लेकिन यहाँ पर शुरुआत से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है, थोड़ा सा घुमा दिया है लेकिन क्वेश्चन रिपीटेड है। 2011 का भर्ती का आप पेपर देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे दिया गया है, वहाँ से आप खुद चेक कर सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दो नंबर नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आ जाता है 52, शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन क्या है इनमें से? तीन नंबर खेल मनोविज्ञान। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? एक नंबर मन तथा शरीर का विकास। 53 में एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। 54 पर आ जाते हैं हम, और 54 में जैसे कहा गया है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन क्या कहलाता है? दो नंबर सीखना। 55 पर आ जाते हैं, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? दो नंबर व्यवहार का विज्ञान। परसोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? चार नंबर लैटिन भाषा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। दो नंबर स्वयं अपने में। 58 पर आ जाते हैं, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है किसने कहा? दो नंबर अरस्तु ने। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? एक नंबर लैटिन भाषा से। किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया? दो नंबर फ्रोबेल ने। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 61 पर, साइको का अर्थ क्या है? तीन नंबर आत्मा पाठ योजना के भाग हैं। चार नंबर आ जाएगा उपरोक्त सभी, एकत्रीकरण, प्रस्ताविक व्यायाम और कौशलाभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 63 पर, और पीटीआई भर्ती के और भी पेपर्स देखना चाहते हैं 2018-2011 के, लिंक आपको नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही 2013 का फर्स्ट पेपर भी आपको उपलब्ध करवा दिया गया है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में पीटीआई भर्ती 2022 में कुल मिलाकर कितने आवेदन आए हैं वो भी आपको वीडियो बना करके उपलब्ध करवा दिया गया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही जो आपकी जो पिछली भर्ती की कट ऑफ रही थी 2018 में फाइनल कट ऑफ, कुल मिलाकर के आपके 10 से 11 यहाँ पर आपके
लिस्टें निकाली गई है, ठीक है ना। तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि आप सभी को निश्चित रूप से भर्ती देने के बाद में वेटिंग का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको जिनकी कट ऑफ बहुत नीचे, बहुत हाई, जो पहले हाई थी उसे बहुत लो कर दिया गया है। बहुत कम कट ऑफ इसमें ST कैटेगरी, SC कैटेगरी में काफ़ी कट ऑफ नीचे गिरी है, ठीक है ना। 2018 की जो भर्ती निकली थी उसमें बहुत कम कट ऑफ इनकी ST और SC में कट ऑफ रही है। तो आप सभी को बता देना चाहूँगा कि फाइनल जो कट ऑफ जारी की गई है वो जो फर्स्ट कट ऑफ जारी की गई थी उससे काफ़ी कम गई है ST कैटेगरी में। इसका लिंक आपको नीचे दिया गया है, आप खुद देख सकते हैं फाइनल जो कट ऑफ रही है वो कितनी रही है, 63। तो आप सभी को इंतज़ार करना चाहिए अपने, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट बार में रिजल्ट जारी हो गया उसके बाद में हमारा नंबर नहीं आएगा। अगर आपके नंबर बिल्कुल आसपास हैं तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि नंबर आता है। तो थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें और मस्त रहें, आनंदित रहें, खुशी के साथ में तैयारी करें, खुशी के साथ में जिए अपनी ज़िंदगी को। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती दोस्तों। तो ज़िंदगी को मस्ती के साथ जीने का है हमें, ज़िंदगी को जितनी मस्ती के साथ हम जी सकते हैं उतनी मस्ती के साथ जिए, लेकिन साथ में तैयारी करें अपने करियर के, अपने करियर को आगे ले जाने के लिए हमें तैयारी भी साथ में करनी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को, मस्ती को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मस्ती को बिल्कुल जारी रखना है अपने को। 63 प्रतियोगिताओं के प्रकार हैं, इनमें से कौन सा है, चार नंबर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नॉकआउट टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट। नेक्स्ट आ जाता है 64 नंबर का क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है। चार नंबर आ जाएगा उपरोक्त सभी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक योग्यता के लिए और शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए। बाई का संबंध है, इनमें से किससे है बाई का संबंध, एक नंबर प्रतियोगिता से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 66 पर, पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध है, एक नंबर चैलेंज टूर्नामेंट से, मनोरंजन खेल का एक भाग है, एक नंबर पाठ योजना, आदेश का संबंध किससे है इनमें से, तीन नंबर कमांड से। दोस्तों ऑप्शन यहाँ मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा और आप सभी निश्चित रूप से बोर हो जाएंगे, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। और आप सभी बोर ना हो, मस्ती के साथ तैयारी करें, इसके लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इन ऑप्शनों को देखें और खुद अपना ऑप्शन चूज़ करें, और यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर से आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, बिल्कुल क्लियरिटी का यहाँ ध्यान रखा गया है। खाली समय का सदुपयोग होता है, दो नंबर पिकनिक, 70 सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है, किस प्रतियोगिता में इनमें से, दो लीग प्रतियोगिता में, डिसमिसल भाग है, ठीक है, डिसमिसल भाग है। चार नंबर आ जाएगा पाठ योजना का। अगले पर आ जाते हैं 72 पर, और 72 में जैसा कि यहाँ कहा गया है, फाटलेक प्रशिक्षण का संबंध किससे है, तीन नंबर दमखम से, स्पीड प्ले का संबंध है, दो नंबर फाटलेक ट्रेनिंग से आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है, तीन नंबर शक्ति से। आगे आ जाते हैं 75 पर, पैस दौड़ों का संबंध है, दो नंबर दमखम से, शारीरिक शिक्षक में गुण होने चाहिए, इनमें से कौन से गुण होने चाहिए शारीरिक शिक्षक में, चार नंबर आ जाएगा उपरोक्त सभी, व्यक्तित्व होना चाहिए अच्छा, निपुण कुशलता होनी चाहिए और नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, डायनामिक शब्द का संबंध इनमें से किस से है, एक नंबर आ जाएगा बल से, एक नंबर बल से है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 78 में, आज हमें भगवद गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है, यह कथन किसने कहा, दो नंबर स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है 78 में, दो नंबर स्वामी विवेकानंद ने, गति के विकास की विधियां हैं, तीन नंबर दोनों त्वरण दौड़ और पैस दौड़ दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 79 के बाद 80 पर आ जाते हैं, 80 पर, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है, किस विधि पर, दो नंबर अंतराल प्रशिक्षण विधि पर,
शक्ति के विकास की विधियां हैं? 3 नंबर, दोनों दोनों आ जाएगा, आइसोमेट्रिक व्यायाम और आइसोटोनिक व्यायाम दोनों। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी इनमें से कौन सी होती है? 3 नंबर, फीमर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 83 पर, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की मैं दोस्तों डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, 83 को। नेक्स्ट आ जाते हैं 84 पर, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है इनमें से? 1 नंबर, कोशिका। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 नंबर आ जाएगा, 4 चैम्बर होते हैं हृदय में। 86, दो या दो से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती है तो यह क्या कहलाता है? 2 नंबर, जोड़ कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है इनमें से? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 88 पर, मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती है, ऐच्छिक मांसपेशियां। 1 नंबर, स्टर्नम हड्डी कहाँ स्थित होती है? 3 नंबर, पसलियों के बीच में। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक है हड्डी निर्माण में। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। 91 में मानव हृदय का वजन होता है? 3 नंबर, 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स और साथ ही ऑफिसर आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन। जैसे ही आपकी आंसर की जारी की जाएगी इस पीटीआई भर्ती 2022 की, आपको उपलब्ध हो जाएगा पूरा पेपर सॉल्यूशन। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर से कर दें यार। मानव का सामान्य रक्तचाप है इनमें से कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन 1 नंबर, 120 mmHg से 80 mmHg, 120 mmHg और 80 mmHg। ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है इनसे, इनमें से किससे संबंधित है ऑस्टियोलॉजी? 3 नंबर, हड्डियों से संबंधित है, हड्डियों का ज्ञान है। 94, ट्रैकिया का संबंध है, रिपीटेड क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र से, शरीर की संरचना का अध्ययन है, शरीर रचना। 2 नंबर, 96, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है इनमें से? 3 नंबर, हृदय। लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? 2 नंबर, एनीमिया। शरीर का 70% हिस्सा इनमें से किस चीज़ का बना होता है? पानी से। नेक्स्ट है 99, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, उत्तक कहते हैं। 2 नंबर, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 कैलोरी के बराबर होता है 1 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। 1 नंबर आ जाएगा इसमें, मरकरी का गुणांक कौन सा है इनमें से? मरकरी का सूत्र पूछा गया है, प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था, ठीक है गाइस, प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 102 पर, कुंभक का संबंध है? 2 नंबर, प्राणायाम से। स्थिर सुखम आसनम परिभाषा संबंधित है? 4 नंबर, आसन से संबंधित है। नेक्स्ट 104 पर आ जाते हैं, ध्यानात्मक आसन कौन सा है इनमें से या कौन से हैं? 1 नंबर, पद्मासन और वज्रासन। प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव इनमें से क्या कहलाता है? 3 नंबर, शिविर। 105 में 3 नंबर आ जाएगा, शिविर। अहिंसा का एक भाग इनमें से कौन सा है? 1 नंबर, यम। नेक्स्ट आ जाते हैं 107 पर, और 107 में कहा गया है, शीतकारी क्या है इनमें से?
चार नंबर प्राणायाम, ऑक्सीजन श्वास लेना है। एक नंबर पूरक, एक नंबर पूरक शुद्धिकरण क्रियाएं हैं। एक नंबर षटकर्म, ठीक है षटकर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं 110 पर, एलडीसी भर्ती 2022 जो निकलने वाली है जल्दी, इसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो 2018 में भर्ती हुई थी उसके पेपर्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। अलग से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, पेपर्स जहां आपको मिले वो एक जगह है आंसर की पेपर्स के नाम से, वहां पर आपको पेपर्स ही पेपर्स मिलेंगे। वहाँ पर आपको 100 से अधिक पेपर्स देखने को मिलेंगे, 100 ही नहीं उससे कई अधिक पेपर्स देखने को मिलेंगे। तो पेपर्स का पूरा कलेक्शन आपको मिलता है यूट्यूब पर द फ्यूचर्स एजुकेशन पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। योगश्चित वृत्ति न, योगश्चित वृत्ति च निरोध है परिभाषा दी है। दो नंबर पतंजलि ने, ठीक है योगऋषि पतंजलि जी ने, शिविर की अवधि है, इनमें से कौन सी है शिविर की अवधि। चार नंबर सभी है, साप्ताहिक एक दिवसीय और मासिक तीनों आ जाएगा। चीजों को करना बनाना प्राप्त करना और सीखना शामिल है, इनमें से किस में। तीन नंबर शिविर में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 113 संस्थानगत प्रतियोगिताएं होती है। एक नंबर संस्था के अंदर, संस्था के जो अंदर प्रतियोगिताएं होती है उन्हें संस्था अंतर्गत प्रतियोगिताएं कहते हैं। आरामदायक आसन इनमें से कौन सा है। दो नंबर शवासन, कैंप फायर समिति होती है। एक नंबर शिविर में। 116 पर आ जाते हैं, 116 में कहा गया है मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था कहाँ होती है। चार नंबर सभी में, आउटडोर गतिविधियों में भी, इंडोर गतिविधियों में भी और चलचित्र में भी, ठीक है। नेक्स्ट है किसी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु हमें क्या चाहिए इनमें से। सभी, भोजन व्यवस्था प्रबंधक आयोजक और उचित समय। न्योली का संबंध है, फिर से दोहरा देते हैं क्वेश्चन, न्योली का संबंध है। एक नंबर षटकर्म से संबंधित है न्योली। 119 पर आ जाते हैं, रेक्टस अब्डोमिनस मांसपेशियां घूमती है। तीन नंबर न्योली में, ठीक है न्योली जिसके मास्टर हैं हमारे योगऋषि बाबा रामदेव जी, त्राटक होता है। दो नंबर एकाग्रता के लिए बंद है, इनमें से क्या आएगा बंद। चार नंबर सभी है बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद और मूल बंद, ठीक है। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको उपलब्ध कराता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स और द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, लाइक और शेयर जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। चार नंबर सर्वांगीण विकास, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कौन सा है इनमें से। चार नंबर उपरोक्त सभी, जिमनास्टिक भी है, आत्मरक्षा खेल भी है और योग भी है, ठीक है। नेक्स्ट है 124, शारीरिक शिक्षा की जरूरत है, उपरोक्त सभी के लिए है, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और संवेगात्मक विकास के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम 125 पर, 125 में कहा गया है शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, यह परिभाषा किसने दी है। चार नंबर जेपी थॉमस ने, शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां क्या है इनमें से। चार नंबर सभी है, शारीरिक प्रशिक्षण भी है, शरीर का सौष्ठव भी है और अनुशासनहीनता पैदा करना, ये तीनों शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं। किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है इनमें से।
दो नंबर वार्मिंग अप, ठीक है, वार्मिंग अप 128। किसी भी प्रतियोगिता के बाद यह प्रशिक्षण लाभदायक है, कौन सा है इनमें से? रिपीटेड क्वेश्चन है, तीन नंबर आ जाएगा इसमें, लिम्बरिंग डाउन ठंडा होना, लिम्बरिंग डाउन ठंडा होना। गति का अध्ययन क्या कहलाता है इनमें से? एक नंबर गति विज्ञान। तो दोस्तों आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे निश्चित रूप से, तो आप बताएं कमेंट करके कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं। साथ ही ये जो पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया है 2013 का सेकंड पेपर है ये पीटीआई का, ठीक है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके और क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पेपर के साथ इस आंसर की का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सेकेंड पेपर, ठीक है। और भी पेपर्स देखना चाहते हैं 2013 का फर्स्ट पेपर, साथ ही 2011 और 2018 दोनों भर्तियों के चार पेपर हैं, कुल मिलाकर के छः पेपर हो गए ये, तो छः पेपर आपको यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। बाकी पांच पेपर के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 130, राजस्थान में शारीरिक शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। दो नंबर झुंझुनू, दो नंबर झुंझुनू, राजस्थान पीटीआई 2013 का सेकंड पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।